अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जीएम मार्केटिंग। मैं हूँ बिलाल मुजीदीन और आप मुझे देखते हैं जीएम मार्केटिंग के चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी क्या होती है और आप अपने बच्चों का फ्यूचर किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं ओवरऑल कुछ डिस्कशन करूँगा, कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करे और आप कहां पर जाकर इन्वेस्ट करें, क्या क्वालिटीज़ आपके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में होनी चाहिए, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो पाकिस्तान का जो मार्केट है, रियल एस्टेट की जो मार्केट है, आजकल के दौर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हर बंदा आपको प्रॉपर्टी डीलर ही मिलेगा। वो कहते हैं कि ईंट पटो तो नीचे से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट निकल आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मार्केट में कुछ अपनी परचेजिंग इस तरह की करते हैं, जो बहुत कम प्रॉफिट पे अपनी चीज़ सेल करने के लिए आपको लालच देते हैं कम कीमत के ऊपर, और फिर उस चीज़ को बेच कर मार्केट से गायब हो जाते हैं, जस्ट वैनिश्ड। और उसके बाद फिर वो लोग आते हैं हमारे पास कि हमारे पास हमारा ये मसला हो गया है, इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, हमने फलाने टाइम पे फलानी फाइल इस रेट पर ली थी और आज उसका ये इशू चल रहा है। तो ये चीज़ें मार्केट में नॉर्मल हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक तो चीज़ सबसे पहले देखने वाली ये है कि आप जिससे बाय कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक डीलर है, क्या वो सर्टिफाइड है किसी भी सोसाइटी से, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में काम कर रहा है, आया कि उसके पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह मौजूद हैं या नहीं। उसके बाद वो क्या सर्विसेज आपको ऑफर करेगा, क्या वो आपको सिर्फ फाइल सेल करने की हद तक आपको चीज़ें देगा, या जब आपकी फ़ाइल बिक जाएगी यानी कि जब आपने परचेज़ कर लिया है तो आफ्टर सेल सर्विस वो आपको देंगे या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप चीज़ किसी से बाय करते हैं तो ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लॉट या जायदाद, इंसान अपनी जमा पूंजी जितने भी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ टाइम, उसको जो है इन्वेस्ट कर एक ऐसी चीज़ सिक्योर करते हैं कि यार हमारे बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। अपनी तो हम जैसे भी गुजरी है हम काट लें, कम से कम हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि आपको अच्छी कंसल्टेंसी मिले और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो, सेफ़ हैंड्स हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपका जो कंसल्टेंट है वो किस लेवल पे काम कर रहा है और जो कमिटमेंट करेगा आया कि वो पूरी करेगा कि नहीं करेगा। जीएम मार्केटिंग वो पैनल है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5000 प्लस क्लाइंट्स को जो है डिलीवर किया है। आज से तकरीबन 5 साल पहले हमारा ये सफ़र शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हमारी मौजूद है। हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट क्लासिक होम्स का मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस भी की हैं, जिसको हम ऑन करते हैं, जो कि प्योरली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है। और इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर के अंदर आप यहां पर अपना जो है डबल स्टोरी का घर हासिल कर सकते हैं 3 साल की आसान एक साथ पर। डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक जो प्रोजेक्ट है आप बिल्कुल जानते हैं, उस पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं ब्लू अल्ट्रिटी के नाम से, उसके हवाले से हम अपडेट्स देते रहते हैं लोगों को। तो उसके ऊपर भी बहुत मैंने डिटेल में वीडियोस की हैं, आज भी मैं अपनी इस वीडियो में जिक्र करूंगा। इसके अलावा ताज एजेंसिया है, पार्क व्यू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएम मार्केटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रिप है। आज की मेरी वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपके बच्चों का फ्यूचर किस तरह सिक्योर होगा, मैं इस पर मैंने कुछ रोशनी डाली है और प्रीवियस आने वाले जो वीडियो का पार्ट है उसमें मैं मज़ीद भी आपको बताऊंगा। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जिक्र किया है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं, आगे आने वाला टाइम जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या कमर्शियल का है। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर बनाएं और उनकी जो आप हाउसिंग में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, आज अगर आप 1 करोड़ का प्लॉट या घर बना बनाया परचेज करें तो आने वाले 2-2.5 सालों में उसकी प्राइस जो है डबल होगी। तो ये तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है।
ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक तो सिक्योर भी है और दूसरा आप इसमें आप खुद रह कर भी आप जो है कर सकते हैं। मैं क्लासिक होम्स की बात कर रहा हूँ कि आप घर में रह कर अपनी किस्तें भी अदा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप हमारी टीम से मीटिंग कर कर उसको क्लियर कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट को अपनी सिक्योर बना सकते हैं। तो इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जो कि आज 1.5 लाख कनाल से ऊपर की जो ज़मीन है उसका मालिक बन चुका है। ठीक है, तो 1.5 लाख कनाल का रकबा, इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद के रकबे के जितना ये एक प्रॉपर पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी बन रहा है। तो इसका रकबा मौजूद है इतना जितना ये क्लेम करते हैं, हम लोगों ने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया, और ये रकबा ऑलरेडी आप जाकर अगर विज़िट करें तो आपको भी आइडिया होगा कि हाँ भाई ये इस बात में सदाकत मौजूद है। तो अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना स्पोर्ट वैली के हवाले से कुछ जिक्र किया था, तो मैं उसमें आपको कुछ पॉइंट जिक्र करूँगा। स्पोर्ट वैली में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? स्पोर्ट वैली बेसिकली आपका पर्पस बिल्ट एक स्पोर्ट सिटी बन रहा है जो आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। आजकल हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, हमारे बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग अपने मोबाइल की हद तक महदूद रह चुके हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसके पीछे स्पोर्ट एक ब्लॉक को लॉन्च करने के पीछे एक बाकायदा सोच मौजूद है, वो यही है कि अपने जो बच्चे हैं उनकी मेंटल ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पोर्ट, इसके अंदर स्पोर्ट ब्लॉक के अंदर प्रॉपर आपको स्पोर्ट अरीना मिलेगा, स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस, ओपन एयर जिम्स यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलिंग है, स्पा है, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, हाइकिंग ट्रैक्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही ब्लॉक में मिलने जा रही हैं। तो इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है बनने जा रहा है, जिसकी 55,000 प्लस की कैपेसिटी है और 15,000 प्लस की वहाँ पर पार्किंग कैपेसिटी मौजूद है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के बच्चे कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स में किस तरह से ग्रोथ करेंगे, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी का रोल होगा, इस ब्लॉक का क्या रोल होगा इसमें, इस टॉपिक पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अभी के लिए आप जितना ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, आपका प्लान है इन्वेस्टमेंट का, अपनी इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट वैली में लेकर आएँ। स्पोर्ट वैली में आपको एक तो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, दूसरा हेल्दी इन्वायरमेंट, आपकी बच्चों की मेंटल हेल्थ एंड मेंटल ग्रोथ, आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ बच्चों की, उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है कंपैरेटिवली, जितने भी बाकी सोसाइटीज़ हैं उनके साथ अगर कंपेयर करें तो काफ़ी एक नॉर्मल बजट रखा गया है, एक रीज़नेबल, एक अफोर्डेबल चीज़ रखी गई है। तो अभी इनिशियली एक डिस्काउंट भी चल रहा है, जितनी भी प्री लॉन्च रेट्स होंगे पोजेशन के ऊपर उसके डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा अगर आप 50% तक अपनी पेमेंट क्लियर करवाना चाहते हैं, जिस DM मार्केटिंग के पैनल से हम आपको स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, जिसमें आप हेल्दी डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपनी 50% भी क्लियर करवाएं और अपना प्लॉट भी जो है स्पोर्ट वैली में हासिल करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।